आज कई लोग सेवकों के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, फिर कहते हैं काफ़ी है यीशु मसीह, हमें काफ़ी है यीशु मसीह, हमारा खुदा है। आप ज़्यादा मत बोलिए, यहाँ तक रोक दीजिए भाई, आप चले जाइए, आप आराम से रहिए, हमारा प्रभु हमें है। इस तरह आज के विश्वासी बन गए हैं। जीवन में हम हर दिन सीखते रहना है, मृत्यु तक हमें सीखते रहना है, हमारा विश्वास को, हमारा उद्धार को बचाए रखना है। आज कई लोग लालसी बन गए हैं, थोड़े आशीर्वाद ज़्यादा हो गया तो प्रार्थना करना रोक देते हैं, बाइबिल नहीं पढ़ते, चर्च को ठीक तरह नहीं जाते, समझते हैं कि बस है, काफ़ी है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की परवाह नहीं है। लेकिन आप पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं ही द्वार हूँ, जो मेरी बात सुनता है वो चारा पाएगा, आत्मिक आहार ज़रूरी है। आप जानते हैं इजरायली लोग 11 दिन में कानान देश को पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको 40 साल पकड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो जैसा चाहते थे वैसा जीने लगे। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर क्या तुझसे ही बात करेगा, परमेश्वर हमसे भी बात करेगा, कहते हुए मूसा से वाद विवाद करने लगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया और उन्हें शिक्षा देकर उस समय 11 दिन में पहुंचने वाली काना देश को 40 साल लगा। आज कई लोग अपने आशीर्वादों को रोक रहे हैं खुद ही, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा। जो व्यक्ति दीन और नम्र बनता है, परमेश्वर उसको बहुत कुछ सिखाता है। अभी भी मैं हर दिन जब बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे सिखाइए। जब ये वचन पढ़ता हूँ, आपकी पवित्र आत्मा से हमें गाइडेंस दीजिए, हमें समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब हम नम्र बनकर परमेश्वर की बात सुनेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कई बातों को आपके आंखों के सामने लाएगा। अगर आप कहते हैं मुझे मालूम है, आदम की स्टोरी मालूम है, याकूब के बारे में पता है, मूसा के बारे में पता है, इस तरह कहेंगे तो कुछ सीख नहीं सकते। एक व्यक्ति को आशा होनी चाहिए, हर दिन सीखना है परमेश्वर का वचन। प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से कहा, हे तिमोथी, समय और असमय पर सुसमाचार सुना, वचन प्रचार कर, लोगों को चेतावनी दे, सच्चाई के मार्ग में लोगों को शिक्षा दे। सही शिक्षा आज बहुत कम है। इसीलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सामने बहुत बोध से हम ये संदेशों को ला रहे हैं, ताकि आप सच्चे मार्ग में चले। देखो, यीशु मसीह आपका रोल मॉडल है, किसी सेवक को अपना रोल मॉडल मत बनाना, प्रभु ही हमारा रोल मॉडल है। यीशु मसीह के अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, गुण है, उन गुणों को आप अपनाइए, यीशु मसीह की तरह जीने के लिए कोशिश करिए। हालेलुया। आत्मा के लिए वचन चाहिए, अगर वचन नहीं है तो व्यक्ति कैसा उद्धार पाएगा। आज आपको क्यों प्रभु और भी समय दिया है, ताकि हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़े, मनन करे, प्रार्थना करे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताए। जो सेवक जेन्यून है, सच्चा वचन बताते हैं, उनको एंकरेज करो। अगर सेवकाई में कोई ज़रूरत है तो उनको मदद करिए। आज प्रॉब्लम यह है कि विश्वासी लोग एक दो सेवक को पकड़ते हैं, कुछ हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, उस सेवक के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वचन पढ़ो, यीशु मसीह का अनुकरण करो, सेवकों का नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको सच्चा वचन सुनाने के लिए तैयार है, अगर वो चाहता है आपको बाइबल स्टडी सिखाए, परमेश्वर की बातें सिखाए, तो आप सुनो। हर एक सेवक को आदर करो। आप मत कहना हमारे पास्टर हमें है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, इस तरह मत कहिए। जो भी सेवक आपके पास आकर कहेगा मैं सच्चा वचन बताऊंगा, सुनाऊंगा, तो पहले सुनो वो क्या बोल रहा है। अगर वो सच्चे बातें बोलता है, सत्य है उसके अंदर, उनका आदर करो और उनसे प्रेम रखो। प्रभु यीशु ने हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, मेरा सेवक है, मेरा पास्टर है, हमारा चर्च है, हमारे विश्वासी है, इस तरह मत कहिए। ये यीशु मसीह की चर्च है, यीशु मसीह की कलीसिया है। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ। आज कई लोग समझते हैं कि मुझे पता है प्रभु के बारे में, लेकिन आपने कहा जो भी बंदा कहता है हे प्रभु उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर की बात मानता है, तेरे वचन के अनुसार जीता है, वही अनंत जीवन पाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी विश्वासी ये वचन सुनते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए तेरा वचन पढ़कर सही शिक्षा में, सही रास्ते में चलने के लिए सहायता कर। मेरी बात सुन, मेरे मार्ग में चल, सच्चाई को जान, गलत शिक्षा से दूर रह, वचन पढ़,
प्रार्थना कर और पवित्र आत्मा की गाइडेंस ले ताकि हर विषय में मैं सहायता करूँगा। परमेश्वर ये प्रार्थना सुनिए और हमें आशीष दीजिए। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे।